हाय एवरीवन, मैं हूँ मालती और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। सो मैंने ना कुछ शॉपिंग की है तो सोचा आप लोगों के साथ एक शॉपिंग वीडियो शेयर करती हूँ। और ये शॉपिंग मैंने मीशो से की है। तो सबसे पहले ये ड्रेस मटेरियल है जो मैंने एक शॉर्ट कुर्ता बनाने के लिए ऑर्डर किया था, पर मैंने उन्होंने जो वहाँ मेंशन कर रखा है मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो जब ये आया तो ये 2.5 मीटर कपड़ा था। तो 2.5 मीटर कपड़ा मेरे शॉर्ट कुर्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा है। सो मैंने सोचा इसका और क्या बन सकता है, तो मैं अभी सोचूंगी। और इसको मैंने साइड में रख दिया है। और ये दूसरा पार्सल जो आज ही आया है, मुझे आज ही रिसीव हुआ है। तो ये एक ड्रेस मटेरियल है विथ दुपट्टा। तो ये बहुत सस्ते कपड़े हैं जो मैंने सोचा कि मंगा कर देखते हैं कैसा है, पर इसे जब खोल कर देखा तो ये बहुत ही अच्छा आया। और वो ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ 500-600 के रेंज का है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। और ये दुपट्टा है, दुपट्टा उन्होंने मेंशन कर रखा था 2.15 मीटर। तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, पर एवरेज दुपट्टा है और प्योर कॉटन का है। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और अभी मेरे पास काफ़ी सारे कुर्ता प्लाजो हो गए थे, तो और काफ़ी सारे ना ब्लू, रेड, येलो ऐसे कलर मेरे पास कलेक्ट हो गए थे। तो मैंने सोचा कुछ नया कलेक्शन लेते हैं, तो मैंने ये पटियाला सेट लिया है। प्लाजो और कुर्ते का जो मटेरियल है इन्होंने मेंशन किया है स्लब कॉटन। ये थोड़ा दानेदार और थिक मटेरियल है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सी थ्रू भी नहीं है और जब इसको धुलेंगे तो ये और भी थोड़ा मोटा मोटा फील होगा। तो ये गर्मियों के लिए कैसा होगा पता नहीं, पर मैं तो रहती हूँ बेंगलोर में और यहाँ बस ये अप्रैल के बाद फिर सर्दियाँ बारिश शुरू हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो ये पैजामे का कपड़ा अच्छा रहेगा। सो काफ़ी कलर भी इसका अच्छा लग रहा, और बना कर देखेंगे इसके बाद ये बनने के बाद कैसा लगता है। और मैंने दो और भी ऑर्डर कर रखा है, सो भी आने वाला है। और ये रहा कुर्ते का कपड़ा, और कुर्ते पे इन्होंने इस तरह से टाई दे रखा है। टाई में इन्होंने जो लेस यूज किया वो काफ़ी शाइन कर रहा, उसमें काफ़ी चमकीला चमकीला इन्होंने वो लगा रखा है। और बाकी बनने के बाद मुझे लग रहा है ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इसके बाद मेरे दो और आने वाले हैं। मैंने 3-4-5 पता नहीं कितने सारे ड्रेस मटेरियल ऑर्डर किए हैं, और इस पे ना ये छोटी छोटी बूटियाँ दे रखी है। लहरिया के ऊपर जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, इन्होंने छोटी छोटी बूटियाँ दे रखी है जो साइन कर रहा। और साइड में इन्होंने ना अलग से स्लीव के लिए कपड़ा भी दे रखा है। तो मुझे लग रहा है ये 3/4 स्लीव भी बन जाएगा। तो कपड़ा कम नहीं है, पर इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है मेरी हाइट है 5/4। तो ये बनने के बाद नी लेंथ आएगा कुर्ता। तो पटियाला के साथ इतना चलता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना।